पिलानी थाना क्षेत्र के डुलानिया में ग्राम सहकारी समिति के व्यवस्थापक पर धोखाधड़ी के आरोप में ग्रामवासियों द्वारा पुलिस को रिपोर्ट दी गई। बताया जा रहा है कि 2020 से 23 के बीच स्वयं सहायता समूह के सदस्यों के नाम पर व्यवस्थापक ने लाखों रुपए का लोन उठा लिया, जबकि समूह के सदस्यों को लोन की कोई जानकारी नहीं थी। 15 सितंबर को झुंझुनू के केंद्रीय सहकारी बैंक की पिलानी शाखा के प्रबंधक द्वारा लोन की रिकवरी के नोटिस जारी किए गए। ग्रामवासियों ने जब 3-3 लाख रुपए की रिकवरी के बैंक के नोटिस देखे तो उनके होश उड़ गए। उधर गांव के लोगों को नोटिस मिलने के बाद से ही व्यवस्थापक भूमिगत हो गया है। पीड़ित लोगों ने व्यवस्थापक से मिलने की भरसक कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हो पाए। अंततः नोटिस जारी करने वाले बैंक प्रबंधक से वे मिले, लेकिन वहां से भी उन्हें सिर्फ यही जानकारी दी गई कि उनके नाम से लाखों रुपए का लोन उठाया गया है, जिसे उनको ब्याज सहित वापस जमा करवाना होगा। पूरे मामले की तहकीकात करने पर पता चला कि ग्राम सहकारी समिति डुलानिया के संस्थापक संदीप कुमार पुत्र बालचंद चांदीवाल ने 2020 में गाँव के लोगों को प्रेरित कर उन्हें स्वयं सहायता समूह का सदस्य बनाया था। उसने ग्रामीणों को बताया था कि जरूरत पर उन्हें समूह के माध्यम से लोन की सुविधा मिल सकती है। लोगों ने आईडी प्रूफ के लिए अपने डॉक्यूमेंट भी व्यवस्थापक को दे दिए थे। बाद में कोरोना के दौरान और उसके बाद भी व्यवस्थापक से उनकी कोई बात इस संदर्भ में नहीं हुई। बताया जा रहा है कि व्यवस्थापक संदीप कुमार ने अलग अलग स्वयं सहायता समूह के सदस्यों के नाम से 50 लाख रुपए से अधिक का लोन उठा लिया, जिसकी रिकवरी के नोटिस अब लोन जारी करने वाले बैंक द्वारा लोगों को दिए जा रहे हैं। लोन के नाम पर हुई धोखाधड़ी की रिपोर्ट लेकर थाने पहुंचे अशोक शर्मा ने बताया कि इस व्यवस्थापक संदीप चांदीवाल के कहने पर एसएचजी के मेंबर बने थे। अब बैंक ने पत्नी सुनीता शर्मा व समूह के अन्य सदस्यों के नाम से 2,11,106 रुपये लोन, 36,161 रुपये की रिकवरी का नोटिस दिया है। सुनीता शर्मा स्वयं सहायता समूह सपना की अध्यक्ष हैं। इसी तरह जीण माता ग्रुप, गीतांजलि ग्रुप, दीप ग्रुप सहित कई अन्य समूह हैं जिसके साथ धोखाधड़ी हुई है। पिलानी थाने में आज सुनीता शर्मा, पाना, मंजू, मोहिनी ने व्यवस्थापक संदीप कुमार के विरुद्ध धोखाधड़ी की रिपोर्ट दी है। सभी अलग अलग समूह के सदस्य हैं और ठगी का शिकार हुई हैं। यह भी ज्ञात हुआ है कि ग्राम सहकारी समिति डुलानिया का व्यवस्थापक संदीप कुमार पहले भी वित्तीय अनियमितताओं के चलते निलंबित हो चुका है। केंद्रीय सहकारी बैंक की पिलानी शाखा के प्रबंधक मुकेश न्योला ने बताया कि डुलानिया में एसएचजी ग्रुप के सदस्यों को लोन जारी किए गए थे, जिसकी किस्तें जमा न होने पर उनको नोटिस जारी किए गए हैं। ग्रामवासी किसी तरह की शिकायत लिखित में देंगे तो उच्च अधिकारियों को अवगत करवाया जाएगा तथा जाँच की जाएगी। डुलानिया से अशोक शर्मा बोल रहा हूँ। हमारे लेडीज के नाम से और ये किसी ने भी 3 लाख रुपए का लोन उठा लिया और हमारे घर में नोटिस आया जब पता चला कि भाई आपके लोन है, बल्कि हमारे घरवाली कोई बैंक में नहीं गई और हमारे नाम को जब पता चला नहीं तो हम बैंक से गए तो वहाँ हमारे साइन भी नहीं है न कोई और है। फ्रॉड लोन उठा लिया 3 लाख रुपए मेरे घरवाली के नाम से। गांव में कितने लोगों के? ये कम से कम भी होंगे 20 आदमी होंगे। हाँ, कम कौन लोन उठाए उसके बारे में कुछ पता है? उसके बारे में हमें तो कुछ नहीं पता है अभी तो, किसने उठाया है, कहाँ क्या भी आपने क्या किया है? हमने FIR दर्ज करवाई है, उसमें हमारा पड़ोसी का हमें पता चला तो वो संदीप नाई सनो बालचंद चांदीवाल का नाम आगे आया, वो हमने FIR दर्ज में नाम करवा दिया गया। ये SHG के डुलानिया गांव के जो ऋण है वो 2020-21-22 के हैं और एक नियमित प्रक्रिया के तहत वर्तमान में इनकी किस्त नहीं आ रही है। किस्त नहीं आने के कारण ये सारे लोन हैं ये अवधि पार हो गए। अवधि पार होने के कारण हमने इनको नोटिस जारी किए हैं। अभी तक हमारे पास कोई ये लिखित में नहीं लेके आया कि मैंने लोन नहीं लिया है, नहीं कोई प्रार्थना पत्र दिया है। अगर कोई प्रार्थना पत्र इस तरह का प्राप्त होता है तो हम निश्चित तौर पर जाँच करवाएंगे और हमारे प्रधान कार्यालय को अवगत कराएंगे।